हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स और वो ट्रिक्स बनी कैसे, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, रिसर्च बेस्ड लर्निंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सबसे पहले आज एक बार उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज 25x31। टेक्निक का नेम क्या था? लाइन टेक्निक, दैट इज जापानीज मेथड। मैंने लाइन ड्रॉ करी, 2 के लिए ये 2 लाइंस, 5 के लिए ये 5 लाइंस, 31 के 3 के लिए ये 3 लाइंस और 1 के लिए ये 1 लाइन। मैंने मार्क कर दिया था आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए, सर्कल्स ब्लू कलर से, ट्रायंगल ग्रीन कलर से एंड रेक्टेंगल रेड कलर से। तो 3 पार्ट्स आए थे आंसर के 6, बिकॉज ऑफ दीज 6 सर्कल्स। 2 + 15 ये 2 और ये 15 और 0 5 इस 5 के कारण। सिंपल, हमने 5 लिखा, 0 को कैरी फॉरवर्ड करा, द फाइनल आंसर केम आउट टू बी 775। फटाफट देखते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 71x63। ध्यान से देखना, बड़ा काफी कंफ्यूजन सा लगेगा पर काफी आसान है, कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7 के लिए ये 7 लाइन, 1 के लिए ये 1 लाइन, 6 के लिए ये 6 लाइंस और 3 के लिए ये 3 लाइंस। अब भैया ये तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। अरे भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, 7 लाइंस और 6 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेगी कितने बनेंगे डॉट्स? 7 6 42 फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसमें कितने बनेंगे 6 प्लस। अब ये 3 लाइन, अब ये 7 लाइन और ये 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, 7 3 21 और ये 3, तो कितना बन गया 3, यहां 0 कैरी करा, 7 2 कैरी करा, 44। तो द फाइनल आंसर इज 4 4 7 3। थर्ड, अच्छा इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना क्योंकि आगे आने वाली ट्रिक्स में भी आपके लिए काम आएगा। द क्वेश्चन इज 111 का स्क्वायर और यू कैन से 111 × 111। 1 1 1 1 1 1, कितने आंसर, कितने पार्ट आएंगे भाई? 5 पार्ट। क्यों? क्योंकि 3 by 3 की मल्टीप्लीकेशन है। वेरी फर्स्ट पार्ट 1 2 3 2 1, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल हमने कैरी करा, तो फाइनल आंसर केम आउट टू बी 1 2 3 2 1। फोर्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना इसे क्योंकि मेरे को पता था आपका ऐसा कोई डाउट आएगा। द क्वेश्चन इज 45x40। 45 के लिए 4 लाइंस और 5 के लिए ये 5 लाइंस। अब 4 के लिए ये 4 लाइंस और 0 के लिए कितनी लाइंस होनी चाहिए? 0। आंसर कितने पार्ट बनने चाहिए थे? 3 पार्ट हमने बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर कितना आया भाई? 4 4 16। अब सेकंड पार्ट में देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो आ गई हमारी ये वाली डॉट्स। यहां कितनी इंटरसेक्शन दिख रही है आपको इस कॉलम में, कितनी इंटरसेक्शन दिख रही है? 0, तो मैंने लिख दिया +0। यहां कितनी इंटरसेक्शन दिख रही है इस थर्ड पार्ट में? 0, तो आई हैव रिटन इट एज 0। 3 पार्ट, कितने आंसर, आंसर कितने पार्ट्स में आता था? 3 पार्ट्स के अंदर। द वेरी फर्स्ट इज 0 0, 0 को रिटेन करा, ये वाला कैरी फॉरवर्ड, 0 प्लस 0 0। 2 को कैरी करा, 16 + 2 18। सो द फाइनल आंसर इज 1800। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो जंप करते हैं हम आज की वीडियो पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, मतलब आज का कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे टेक्निक नंबर 8। इससे पहले मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी, ऊपर आई बटन मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। एक प्रो एडवाइस, एक बार यार सारी वीडियोस देख के प्रॉपर आपका भी फ्लो मेंटेन रहेगा और आप समझ पाओगे बेसिकली ये सीरीज जा कैसे रही है। टेक्निक नंबर 8, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। अब जो ये वीडियो है ये बेसिकली ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप सबको पता होगा, बट एक मिनट रुको, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट का एक जो बैक एंड मैकेनिज्म है और जो उसका थॉट प्रोसेस है, एकदम एक नया और एक यूनिक थॉट प्रोसेस, आप सबको मैं उससे एक बार रूबरू कराना चाहूंगा। हमारे पास टेक्निक है, जब आप छोटी क्लासेस में होते थे आपसे भी क्वेश्चन पुट करता था, बेसिकली आइडेंटिटीज होती थी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप एकदम से बोलते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस मैं उसी का ही यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अब इशू क्या है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता इसको आप पुट कैसे करोगे,
तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन और उसी से ही समझेंगे हम इसको पुट कैसे करें। द क्वेश्चन इज 53 × 47। अब एक बार ना आप इस नंबर को, इन दोनों नंबर्स को आप एक बार नंबर लाइन के ऊपर विजुलाइज करो, 47, 53, ठीक है। इसके बीच में कितने होल नंबर आएंगे, 48, 49, 50, 51, 52। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जो 50 है इट इज द मीडियन, मतलब एक मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू मतलब भैया, मिडल वैल्यू का क्या मतलब हुआ, 50 से अगर आप 3 लेस जाओगे आपको 47 भैया मिल जाएंगे आप बैठे हुए, और अगर आप 50 से प्लस 3 जाओगे तो आपको 53 भाई साहब मिल जाएंगे आप बैठे हुए। चीज समझ आई? मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं ए ए प्लस बी और माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी, मैं ये बनाना चाह रहा हूं। थोड़ा थोड़ा विजुलाइज हो रहा है। चलो आज हम क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करते हैं। इट विल बी 50 + 3 × 50 − 3। थॉट प्रोसेस समझ आया मैंने कैसे इसको सोचा? मैंने इसको एक बार नंबर लाइन के ऊपर विजुलाइज करा, देन आई गॉट टू नो कि यार ये तो आइडेंटिटी बन गई बचपन वाली, बस अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आंसर विल बी 50² − 3² इट विल बी 2500 − 9 दैट विल बी 2491 एंड इट इज योर आंसर। चीज एकदम समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन इज 98 × 82। भैया हमें तो समझ नहीं आ रहा इसका कौन सी ट्रिक लगेगी। अरे रुको तो यार, नंबर लाइन लो 82 98, एक बार नंबर ड्रॉ करना, 82 से 90 तक का सफर और 90 से 98 तक का सफर, हिंदी वाला सफर, ठीक है। कितने डिजिट्स का रहेगा, 8 डिजिट्स का, बीच में यहां भी 8 आएंगे यहां भी 8। एक बार आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लेना। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस टाइम 90 क्या है, एक मीडियन वैल्यू, 82 उससे 8 छोटा है और 98 उससे 8 बड़ा है। मतलब ये जो बेसिकली क्वेश्चन था इसको हमने जब ब्रेक करा तो ये बन गया 90 + 8 × 90 − 8। चीज एकदम समझ आई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फाइनल आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो 90 का स्क्वायर − 8 का स्क्वायर That is 8100 − 64. That is 8036. बात आ गई एकदम समझ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज 104 × 96। भैया हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है। या तो इसके अंदर आप टेक्निक भी लगा सकते हो या प्रीवियस वीडियो में चले जाना, मैंने ऐसा काफी अच्छे और भी मेथड बता रखे हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोर देन वन मेथड भी मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं हम इसका ये वाला मेथड। नंबर लाइन बनाओ 96 104, इसके एकदम बीच में आएगा हमारा 100। 96 कितना छोटा है इससे, −4। 104 कितना बड़ा है इससे, +4। चीज आगे एकदम समझ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रेक करा, ये बन गया 100 + 4 × 100 − 4। कूल, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 10000 − 16 विच विल बी 998। गॉट इट, कोई डाउट नहीं, कूल। अब हम चलते हैं वीडियो के बेस्ट पार्ट पर, दैट इज कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन। तो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन पर, मतलब ये जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बनी कैसे होगी, इसकी एक क्विक और शॉर्ट डेरिवेशन। सबसे पहले यार हम ट्रिक देखते हैं। द क्वेश्चन इज 23 × 37। ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं।
23 into 37, it will be 30 minus 7 into 30 plus 7. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो इट बिकम्स 30 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इट विल बी 900 माइनस 49, एंड द आंसर विल बी 851. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब हम चलते हैं यार इसी के ही कॉन्सेप्ट पर कि ये टेक्निक बनी कैसे होगी. देखो क्वेश्चन था 23 into 37, यहां तक सही है एकदम. मैंने लगाई थी प्रॉपर्टी 30 minus 7 into 30 plus 7. जो भी टेक्निक बनी है, एक बात याद रखना बच्चा लोग, जो भी टेक्निक बनी है ना वो हमेशा कहां से उठती है, अपने फंडामेंटल से. और फंडामेंटल हमें क्या सिखाया जाता था बचपन में कि आप सिंपल ब्रैकेट ओपन करो. जो हम सिंपल हम ब्रैकेट ओपन करते थे, चलो करते हैं. इट विल बी 30 into 30 minus 7 into 30 plus का 7 into 30 and it will be minus का 7 into plus का 7 that is minus 7 into plus का 7. ये बात आई समझ? इट विल बी 30 का स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, माइनस का 7 इंटू 30 और प्लस का 7 इंटू 30 आपस में क्या हो गया, कट हो गया. और पीछे क्या बचा, माइनस 7 का स्क्वायर, जो बेसिकली क्या था, मेरी प्रॉपर्टी ही थी. कूल, आई बिलीव आप सबको, आपको मैक्सिमम ऑफ यू विल नो दिस थिंग कि बेसिकली ये बना कैसे थी प्रॉपर्टी. पर मेरा काम तो एक बार आपको दिखाना और इसके साथ साथ नंबर लाइन वाला फंडा समझाना. यहां क्या था हमारा 23 और 37. जब आप इसको नंबर लाइन पर एक बार विजुलाइज करोगे ना अपने माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आपको एकदम से क्लिक होगा 23 37 30 मतलब 30 क्या थी हमारी मिडिल वैल्यू. तो आप फिर आराम से इसको कर सकते थे, ये माइनस का 7 का गैप था, ये प्लस का 7 का, और आप एकदम से निकाल देते 30 square minus 7 square, दैट इज 900 minus 49, दैट इज 851. कूल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अच्छा, ट्रिक और कॉन्सेप्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं आपको क्या बताता रहा हूं, ट्रिक और कॉन्सेप्ट मैं साथ साथ बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियोस एकदम यूनिक होंगी. मैं ट्रिक भी बताऊंगा और मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो को यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं, समय समाप्ति की घोषणा करते हैं. और आगे आने वाली वीडियोस के साथ आप जुड़े रहिएगा, ऐसी और भी रोचक और ऐसी और भी अमेजिंग टेक्निक्स मैं आपको बताता रहूंगा. तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अपने आंसर्स को. तो चलते हैं और अपने एक फेमस कोट के साथ, दैट इज ज्ञानम परम बलम.